विश्व पर्यटन नगरी खजुराहो में 9वें खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में दूसरी शाम हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध चरित्र एवं हास्य अभिनेता असरानी को भारत गौरव सम्मान दिया गया। उक्त 7 दिवसीय महोत्सव 22 दिसंबर तक चलेगा। इस समारोह की दूसरी शाम में शामिल केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रामकेश निषाद, अतिथियों को आयोजक राजा बुंदेला ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। फेस्टिवल को संबोधित करते हुए फिल्म अभिनेता असरानी ने कहा कि हम फिल्मों में वही बोलते हैं जो डायरेक्टर बोलते हैं, लेकिन समारोह में आपसे रूबरू होकर दिल से बात होती है। उन्होंने कहा कि खजुराहो में एक बड़ा थिएटर बनना चाहिए। उन्होंने दर्शकों के सामने साष्टांग प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि आपकी तालियां सीटियां एक कलाकार के लिए ऑक्सीजन का काम करती हैं। खजुराहो के पाहिल वाटिका परिसर के मुक्तकाशी मंच पर खजुराहो फिल्म महोत्सव का यह 9वां आयोजन है। कार्यक्रम में प्रसिद्ध अभिनेता असरानी ने फिल्म के डायलॉग सुनाए, जिससे पूरा परिसर तालियों से गूंज उठा। समारोह में अन्य फिल्मी कलाकार मौजूद रहेंगे। समारोह में स्थानीय कलाकारों ने भी अपनी प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में मुंबई के कलाकारों की शानदार प्रस्तुतियां रही। मैं तो छोटे शहर से आया था, जयपुर उस वक्त बहुत छोटा शहर था। वहां से जब मैं आया, जब मैंने फिल्म में देखा कि बड़े बड़े 3-4 बड़े बड़े कलाकार सिल्वर जुबली काम करते वाले, गोल्डन जुबली फिल्मों वाले कलाकार के पास बंगला है, मोटर है, गाड़ी है, स्विमिंग पूल है, वो अकेला बैठा हुआ है, दर्शक नहीं है। हमने बड़े बड़े अवार्ड मिल जाए, अगर आपकी तालियां नहीं हो, आपकी सीटियां नहीं हो, तो हमारे लिए सब अंडा है, सब बेकार है। आपने उम्र मेरी उम्र बढ़ा दी रे। अंग्रेज जमाने के अच्छी है। मंत्री साहब ने मुझे बोला, आप कभी फिल्म देखना, फिल्म का नाम नहीं जाना, साउथ में था मैं। मुझे बोला सरानी तुम एक पेड़ के नीचे खड़े हो, लड़की आई नहीं, तो तुम क्या करोगे, तुम्हारी प्रेमिका है। मैंने कहा घड़ी देखूंगा साली आई क्यों नहीं, इधर घूमूंगा नहीं, तुम पेड़ के नीचे खड़े हो, पेड़ की पत्तियां खाओगे। मैंने कहा मेरी माँ बकरी थी, मेरा बाप डायरेक्टर, क्या कोई जानवर था। मगर करना पड़ता है जो बोलते हैं। मगर ये यहाँ पर कोई डायलॉग नहीं, यहाँ पर प्रेम है, मोहब्बत है, खजुराहो है। खजुराहो के लोगों ने जो सम्मान किया है, मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। कई बार रूबरू मुलाकात भारी पड़ जाती है। कभी आप बंबई आएंगे तो आपको एक फिल्म शूटिंग मिलेगी। फिल्म शूटिंग में पहाड़ भी है, नदियां भी है, जैसे खजुराहो में नदियां हैं, सब कुछ है, बहुत बड़े बड़े मंदिर है, कमाल है। तो वहां पर 5-6 शूटिंग एक साथ चलती है। तो मेरी शूटिंग चल रही थी भूल भुलैया की, और सामने शाहरुख खान की फिल्म थी ओम शांति ओम। तो एक पति पत्नी मेरे पास आए, 6 महीने का बच्चा अपनी गोद में लेके मेरे पास आए, पसंद नहीं किया जाता, इसलिए हर जगह से कुछ दिनों में हमारी बदली हो जाती है। मगर इतनी बदलियों के बाद भी हम नहीं बदले। अरे तुम लोग कभी नहीं सुधर सकते हो, हम नहीं सुधरे तो खजुराहो वालों तुम क्या सुधरोगे। दोस्तों सर 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 एक छोटा सा, ये मुझसे बहुत काफी लोगों ने कहा 1966 हरे कांच की चूड़ियां और नॉनस्टॉप धमाल 2023, इतने लंबे सफर में आपने कहा ऑक्सीजन ये लोग देते हैं आपको। सर एक बात बताइए, आपके जिंदगी में सबसे बेहतरीन फिल्म, सबसे बेहतर पन्ना के हीरो जैसा वो फिल्म कैसा, वो कौन सा फिल्म है सर? अभिमान। क्या बात है, क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां बजाएं असरानी जी के लिए और बच्चन साहब के लिए भी, बच्चन साहब के लिए भी, बच्चन साहब के लिए भी। और थैंक यू वेरी मच। मैं बार बार प्रणाम नहीं करना चाहता हूँ, मगर ये सम्मान मैं आई एम टेलिंग यू, आप मैं जैसे बॉम्बे जाऊंगा मेरी उम्र बढ़ गई है। थैंक यू। पर्दे पे आप हमको देख सकते हैं,
या टेलीविजन पे आप हमको देख सकते हैं, हम आपको देख ही नहीं सकते। आप ताली बजा रहे हो, गाली बजा रहे हो, हमको क्या मालूम, मगर ये रूबरू मुलाकात का मौका है और मैं आपको देख सकता हूँ और आप मुझे देख सकते हैं। ये बड़ा मौका आज मेरे लिए कमाल का है, ये मुझे एक्चुअली ऑक्सीजन का काम करता है। सिनेमा के पर्दे पे हमको वही करना पड़ता है जो डायरेक्टर बोलता है या राइटर लिखते डायलॉग बोलना पड़ते बोले। आपने देखा होगा पुरानी फिल्मों में ब्लैक एंड व्हाइट में 60 साल का हीरो अपनी माँ को आके बोलता है, मैं पास हो गया माँ, मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट में पास हो। माँ बोलती है राजू तू स्कूल कब गया था हराम को। हीरो हीरोइन जंगल में फंस जाते हैं, चंदे का मुशारा मानो ये वो, और बरसात होती है, बर्फ गिरती है, एक झोपड़ी में घुस जाते, सारी रात गाना गाते, सुबह उठ के हिरन बोलती ये मैंने क्या किया, समाज को क्या मुंह दिखाऊं। और एक झूठा प्रणाम नहीं है, ये सच्चा प्रणाम। '63 में मैं कॉलेज में था, मुझे किसी ने बताया कि आप तू यार अच्छा एक्टर, तू स्टेज पे करता है, रेडियो में करता, सब करता है होता है। मगर जब मैं फिल्म स्टूडियो पहुंचा, मैं जब 1963 में हिंदुस्तान के फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में पहुंचा, वहां जब मैंने अपने टीचर्स को देखा तो मुझे मालूम पड़ा कि नहीं, एक्टर को ट्रेनिंग की बहुत जरूरत पड़ती है। ये सारा खेले जाता है हमारे फिल्म इंस्टीट्यूट के पुणे के टीचर्स को, जिन्होंने मुझे अननोन आदमी को एक कैरेक्टर एक्टर बना दिया। उसके बाद जब पहुंचे बंबई, तो बंबई में बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया मैंने, उन लोगों ने मुझे मौका दिया, ऋषिकेश मुखर्जी, गुलजार, एलवी प्रसाद, शक्ति सावंत, के विश्वनाथ, राघवेंद्र राव, प्रियदर्शन, बड़े बड़े डायरेक्टरों ने हमको मोल्ड किया। उनकी वजह से मैं आपके सामने, राजा बुंदेला जी को मैं इसलिए प्रणाम करता हूँ कि इस आदमी ने इस तरह के बड़े मंच को जो यहाँ पर खड़ा किया है, आज खजुराहो से बड़े बड़े एक्टर निकलेंगे, मेरी ऐसी शुभकामना।